हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अनिता रानी, आपको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आप लोग बताना, आप लोग कैसे हो। और मैं दिखा देती हूँ आपको, काम मेरा सारा फिनिश हो गया। हाथ आ गया ना वीडियो में। काम मैंने सारा निपटा लिया, घर का किचन विचन मेरी साफ हो गई। अभी मैं दिखा देती हूँ आपको, मैंने क्लीन कर दी, साफ कर दी सब, चूल्हा वूल्हा गैस वैस सब मैंने कर दिया काम, ठीक है। बर्तन बर्तन मेरे सब हो गए, देखो सिंक विंक मेरी सब साफ है। काम मेरा सारा हो गया। और मैं अब मैं पता ना, शादी में से आके ना थकान नहीं कर रही अभी, इतने दिन हो गए, तो तीसरा दिन आज, लेकिन थकान नहीं जा रही। पता ना क्या हो जाता है शादी में जाके, क्योंकि लंबा ज़्यादा था सफ़र, और दो तीन दिन मुझे सफ़र किया ना लगातार। रात का बाल भी मेरे अजीब से हो रहे हैं ऐसे, तो ठीक है वो, तो इससे ना हालत अभी तबीयत सही नहीं है। वो मैं दिखा देती हूँ अपने लड्डू गोपाल को, आपको दिख रहे हैं ये देखो, इनको मैंने ओके सब तैयार है, सब काम मेरा सब हो गया। और अब दिखाती हूँ मैं आपको अपने कपड़ों का हाल, मेरे घर में क्या हाल है कपड़ों का, अभी दिखाती हूँ। मैंने कैमरा सेट कर देती हूँ पहले, फ़ोन मैंने फ़ोन सेट नहीं किया था। और आप लोग बताना, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैंने सोचा कई दिन हो गए, आप लोगों से बात कर लेती हूँ, ठीक है। ये टैब रखी है, ये तो सामान तो घर में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। लेकिन कपड़ों का हाल देखोगे ना क्या हाल है। पहले तो वहाँ ले जाते टाइम इतने कपड़े, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, लेकिन जब आते हैं ना, जब उनको धोने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं, किसी को ड्राइविंग करानी पड़ती है, किसी को कुछ हो जाने ना, चुन्नी पता ना कहाँ रख दी। मैं एक बार अपनी चुन्नी भी ले आती हूँ, कपड़ों का हाल तो आपने देख ही लिया होगा मेरे, एक बार चुन्नी ले आती हूँ। चुन्नी में ले आई अपनी। और अब तो गर्मी होने लग गई ना, तो अब स्वेटर नहीं पहनने को, ना गर्म स्वेटर पहनने का मन करता है, और ना स्वेटर जैसी पहने। ये देखो मेरे कपड़ों का हाल तो आप लोग देख लो, अच्छी तरह तो अच्छा दिखाई दे रहा होगा क्या हाल है, ठीक है। अगर मैं कपड़ों के बीच में बैठ गई ना, दिखाई भी नहीं दो तो, ठीक है। ये देखो क्या हाल है, सूट केस भी मेरे ऐसे पड़े, क्योंकि उस दिन आई सुबह को, मैं आई 7-8, 7:30 बजे हम लोग पहुंचे यहाँ। फिर आते ही मैं तो काम में लगे, बेटा सो गया, क्योंकि एक लेडीज को तो इतना काम हो जाता है ना घर में आते ही, कि बहुत ज्यादा, चाहे एक आदमी हो चाहे दो हो, काम तो बराबर ही फैलता है। और फिर मैं इनके बीच में बैठ जाती हूँ, फिर मैं सोई भी नहीं, आके लगी रही लगता है, नहा धो के झाड़ू वाड़ू लगा के, पोछा वोछा लगा के, साफ सफाई करके, फिर खाना बना के, फिर बेटे को ड्यूटी में भी जाना था दोपहर को, फिर मैं खाना वाना बना के और बेटे को खाना वाना दे के तब मैं सोई। लेडी तो कहीं भी चले जाओ, वही काम करना पड़ता है आके अपने। खैर वहाँ तो शादी में गए थे, वहाँ तो कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ा, लेकिन सफर तो था ना थकान का, वो तो हालत ख़राब थी। वो सूट केस मेरे ऐसे ही रखे हैं, ये ब्रीफ केस, ये बैग भी, क्योंकि अब मैं इन कपड़ों पे कुछ प्रेस करूँगी किसी पे। ये फैंसी पैंट होती है ना ऐसी, ऐसी फटी 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 फटी,
मैंने सोचा इनको सिंगवा भी लेती हूँ और आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ, कई दिनों की वीडियो नहीं बना। वहाँ से मैं बना के लाई, एक तो मैंने ला ली, देख लेना आप लोग, छोटी सी वो ना जहाँ वो जयपुर में जंतर मंतर था वहाँ की है वो वीडियो, लेकिन इतनी भीड़ भड़ाके में ना इतने थक के ना वीडियो नहीं बन पाती भाई। हम लोग उसे तो जो बनी हमने वो बना ली, थक गए थे, थक जाते हैं जाने जाने भी थक जाते हैं हम, लेकिन इतना सुंदर है ना, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। जयपुर जो है बहुत अच्छा सिटी है, देखने लायक है, एक से एक चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी है। आप लोग भी अगर कहीं जाने की सोचो तो जयपुर ज़रूर जाना, लेकिन हमारे से तो काफ़ी दूर हो गया था, लेकिन अच्छा सिटी है, बहुत अच्छा है, अच्छी चीज़ें मिलती हैं। दो चार सामान मैं भी लाई हूँ, बताना आप लोगों को, देखना है तो मैं दिखा दूँ, नहीं तो फालतू में क्या फायदा, फिर ना पसंद करे देखना तो, है ना, ऐसे दिखाना अच्छा नहीं लगता। और तो पता ही है शॉपिंग करे बिना तो मैं रह नहीं सकती, कहीं भी जाऊँ शॉपिंग मेरे लिए जल्दी है, मैं करती हूँ, ठीक है। और ये अब मैं सोच रही थी आज अब काम करके खाना वाना दे के बेटे को, और आज लेट हो गई होगी 10, हाँ सर, हाँ 10 ही है, मुझे तारीख का भी नहीं पता चलता, अपनी बिजी लाइफ हो रही। फिर उधर से ना मेरा भतीजा आ गया था उसी दिन रात को, जिस दिन हम आए ना परसों, परसों ही रात को फिर मेरा भतीजा आ गया था, कल रात को चला भी गया, होली की कोठली लेके आया था ना, होली आ रही है, मेरे भाई भाभी मेरी कोठली यहाँ तक भी देते हैं, इतनी दूर आ गई ना मैं, यहाँ भी मेरी कोठली देते हैं। लेकिन एहसान है, लड़की कहीं भी चली जाओ, कितना भी हो जाओ, कुछ सब कुछ होता है, लड़की ऐसी बात नहीं, कुछ कमी है, लेकिन पता ना अपने घर से ना कोठली का चाहे कोई कुछ भी ना लाओ, लेकिन इंतजार रहता है कि कोई आएगा या नहीं आएगा, लड़की को होता ही है, चाहे कितनी कोई अमीर हो कोई गरीब हो, किसी को जरूरत हो या ना हो, लेकिन होता है, चाहे कोई खाली भी आया हो त्यौहार पर, इतनी खुशी आई ना, मेरा भतीजा है, इतना बड़ा नहीं छोटा ही है, लेकिन भाई तो बैंक में चला जाता है, पहले भैया था, भैया तो उसमें ना हमारे यहाँ चलती है ना कोतली, ये देखो पता ना इस पर स्टोन डाला था ना मैंने, वो लग गया स्टोन का रुआ रुआ सा, क्योंकि हमारे यहाँ तो थी ठंड जब हम गए रात को, वहाँ हमें बस में भी जरूरत पड़ी कपड़े की, गर्म कपड़ों की, पहन के भी हम गर्म में गए थे, और वहाँ जाके जब हम गए राजस्थान में गर्मी थी, रात की शादी थी, लेकिन गर्म कपड़े की जरूरत नहीं पड़ी इतनी खास, वो तो हम लेके गए थे। फिर सुबह को आए तो सुबह को भी हमने कुछ गर्म कपड़ा नहीं पहना, और यहाँ जब आके उतरे बस से और हम लोग ने कैब की थी उसे बैठे तो ठंडी ठंडी हवा लगी हमें, ठंडी ठंडी, फिर मैंने तो थोड़ा सोन डाला बेटे को भी, एक स्वेटर वेटर तो हम सब कुछ अभी इनकी तह तो मैं करूँगी नहीं, सीधे करूँगी बस, क्योंकि तह पड़ने से तो कोई फ़ायदा नहीं, प्रेस करूँगी फिर मैं उन पर, प्रेस करके रख दूँगी साथ के साथ ही, प्रेस हो जाती है नहीं तो फिर इधर रखो उधर रखो, फिर मुझे तो पता ना क्या घबराहट सी हो जाती है, देख कर ज़्यादा कपड़ों को देख कर मैं इधर उधर घूमती रहूँ फिर चारों तरफ को, लेकिन प्रेस करने का मन नहीं करता। बेटे को मैंने प्रेस करके दे दी, दो कपड़े पहन लिए, अपना सूट प्रेस करके पहन लिया था, मैंने सोचा इस हफ्ते तो सुबह के टाइम तो आपको पता ही है कितना काम हो जाता है, बहुत काम हो जाता है सुबह के टाइम, और हमारे यहाँ ठंडा है मौसम थोड़ा, वहाँ अभी थोड़ा है यहाँ, लेकिन वहाँ नहीं बिल्कुल ये कपड़े छा सब कपड़े, वैसे मैं धो के गई थी कपड़े बहुत सारे, और फिर मैंने परसों ही शाम को मैं 5 बजे लगी थी कपड़े धोने, मैंने कहा कल बृहस्पति हो जाएगा, फिर मैंने परसों शाम को जो हम जयपुर के आदिवासी के थे वो तो मैंने परसों धो दिए, फिर कल सुबह को मैंने धो दिए थे, बृहस्पति था आज, बृहस्पति आज नहीं धोते तो क्या होता, फिर हमें पहनने को भी ना मिलते, इतने कपड़े हो जाते हमारे, मैंने सोचा आप लोगों से मिल लेती हूँ, कपड़ों की प्रेस कर लेती हूँ, मैं इस यहाँ में बैठ गई, चारों तरफ मेरे कपड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता है, अब देवी जी के साथ होता है कि आपके लिए मेरे साथ तो हो ही, ठीक है। वो शादी की वीडियो भी मैं थोड़ी डालूँगी, अभी थोड़ा आराम मिल जाए, चाहे कुछ करो ना, लेकिन ना सफर ही सफर में
आधे परेशान हो रहे थे इतने लंबे सफर में, लेकिन वहाँ की शादी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे लोग हैं उधर के, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा मतलब खाने पीने में ना सब जगह देसी घी देसी खाना, मतलब बहुत अच्छी शादी लगी, बहुत ही अच्छी लगी। कोई मिलावट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई कुछ ऐसे वैसे नहीं थे। हर जगह दूध, बादाम का दूध और वैसा दूध वो लिए घूमते थे। मतलब इतनी अच्छी शादी हुई कि सा खाना इतना पसंद आया मुझे वहाँ का, बहुत अच्छा था। कोई मिलावट विलावट का देसी खाना होता था जैसे हमारे यहाँ होता था ना पहले, आजकल तो फैंसी है सब कुछ, मिलावट की चीज मिलते हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा ही थी। अच्छा लगा मुझे जाके। एक जगह तो ऐसा हो जाता है कि अनजान लोग हैं, कोई जाने पहचाने जरा कोई क्या समझे, लेकिन नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था, बहुत ही अच्छा था। और बहू तो दुल्हन तो आप लोगों को देख गई हो, मैंने शॉर्ट डाली हुई है और भी डालूंगी, वीडियो भी डालूंगी, तो आप उसमें देख लेना कैसी है। सब अच्छा है, बहुत अच्छा रहा हमारा हमारा तो बहुत अच्छा रहा, घूमे फिरे मौज किया, अच्छा है रहा। मेरा बेटा पूरा खुश था, और मुझे खुश करने के लिए मेरे बेटे ने जो जहाँ भी कहा मैंने वो वहीं मुझे घुमाया, वहीं लेके गया, मम्मी चलो मम्मी चलो। हमने ना वहाँ कैब कर ली थी घूमने के लिए पूरे सिटी में, और कैब वाले ने, हम सुबह निकल गए 6 बजे और 6 बजे से शाम के 6 बजे तक हम लोग घूमे वहीं जयपुर में। फिर 6:30 बजे हमारी बस थी, फिर हम लोग आ गए। अपना घूमना भी हो गया और शादी भी हो गई, और इससे अच्छा क्या है, दोनों काम हमारे हो गए। और ठीक है, आप मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो में कोई ऐसा कुछ खास तो था नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि मैं अभी वीडियो इसलिए नहीं डाल पाई, मैं शादी में थी। आप डालू नहीं, एक दो वीडियो मेरी है लेकिन वो अभी ऐसे पड़ गए, मैं उनको भी डालूंगी, डाल नहीं पाई ना, शादी में जाना था इसलिए। थोड़ा भी आपको पता ही है नई नई है काम यूट्यूब का, अभी मैं अच्छे से कर भी नहीं पाती हूँ, और बेटे को टाइम नहीं मिला, बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, क्योंकि पढ़ाई भी करता है उधर से ऑफिस में भी जाता है, दोनों ही काम है उसके, तो उसको भी नहीं कह सकते, इसलिए मैं खुद ही कभी डालने की कोशिश कर डालूंगी, आपको मिल जाएगी जब भी डालूँ, लेकिन देखना और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट कर देना और बताना कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्ते, जय माता दी, बाय। मिलती हूँ, कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एक आपको कुछ नहीं जाता एक लाइक करने में, वीडियो कमेंट करने में, ठीक है, हमको अच्छा लगता है, हमको ये दिखता है कि हमें भी कोई देख रहा है, हमें सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, खुशी हो जाती है कि अपने ही अगर कोई करे, अपने ही ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन चलो आप लोग तो अपने ही हो, जब जो कोई सब्सक्राइब करता है वो अपने ही हो जाता है, जो हमें चाहता है पसंद करता है वही सब्सक्राइब करता है, नहीं तो अपने हो या पराए का तो तभी पता चलता है कौन कैसा है। यदि मेरा रखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको और ना देखो ना तारवा ही आगे मिलेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे घर में तार ना मिले, ये देखो ये पड़े यहाँ मिलेंगे, हर जगह जहाँ मैं बैठूंगी ना वहीं मिलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो है ही, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, और मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय।